हेलो शायान, मुझे अभी और इसी वक्त लेने के लिए आओ। अनु, अनु क्या हुआ? सब खैरियत है? सवाल मत करो, बस मुझे फौरन लेने के लिए आओ। अनु, अनु क्या हुआ? शायान क्या बात है? मामा, अनु का फोन था, वो रो रही थी, कह रही थी मुझे लेने आओ। क्या तो सोच क्या रहे हो? जाओ फौरन जाकर लेकर आओ उसे। जा फौरन जा। नहीं रुक जाओ शायान। तो क्या हो गया आपको? बच्ची रो रही है, परेशान है, आप मना कर रही है। जाओ जाकर लेकर आओ उसको। मैंने कहा ना, इस घर से कोई नहीं जाएगा। अम्मा क्या कह रही हैं आप? वो तकलीफ में है, उसे जरूरत है हमारी। इस वक्त उसे हमारी नहीं, हमारी खामोशी और तहमुल की जरूरत है। का घर बसाना आसान नहीं होता। इधर। हेलो शायान, तुम? हाँ असरा, क्या बात है, खैरियत है सब? अम्मा ये घर मेरा नहीं है, मेरे होने ना होने से सुल्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम क्या चाहती हो? आप बस फौरन शायान को ड्राइवर के साथ भेज दे, मुझे यहाँ से लेकर जाए। इतनी जज्बाती मत बनो, अपना घर छोड़कर आना कोई अकलमंदी नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप अभी और इसी वक्त ड्राइवर को भेजो और मुझे यहाँ से लेकर जाए। अम्मा मैं आपसे कह रही हूँ, आप भेज रही है ना, ड्राइवर को भेजे, मुझे अभी और इसी वक्त यहाँ से लेकर जाए। बताए ना आप किसी को भेज रही है या नहीं? नहीं। ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझे जो तुम्हारे लिए बेहतर लगेगा मैं वही करूंगी। मैं नहीं रह सकती इस घर में, इस घर में किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं है। कम से कम आप तो समझे मुझे। जो मैं समझ रही हूँ तुम भी वही समझो। अगर अपने घर की दहलीज क्रॉस करूंगी तो आइंदा सारा सफर कांटों का सफर बन जाएगा। अम्मा प्लीज ऐसी बातें तो मत करें, मत तोड़े मेरा दिल। दिल टूटता है तभी घर बनते हैं असरा। कोशिश करो अपने घर को बचा लो, तभी कामयाब रहोगी। अपना सारा सामान उठाओ और अभी अलमारी में रख। अभी बात घर की घर में है, अगर घर से बाहर जाएगी ना तो ताने और तशने होंगे और जिंदगी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अम्मा अम्मा मैं वापस नहीं पलट सकती, अब मैं अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। घर जाकर अम्मा को सब कुछ बताऊंगी ना तो वो खुद मेरे साथ बैठकर रोएंगी।
असरा, असरा रुको। क्या पागलपन करने जा रहे थे तुम? हाँ, अगर मैंने तुम्हें गुस्से में कह दिया कि घर छोड़कर चली जाओ, क्या वाकई तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? पर कहने को तो एक लफ्ज होता कि जिसे निभाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, छोटी छोटी बातों पे अपनी जिंदगी खराब होती है। मैं जानती थी मुझे कहीं जाने ही नहीं देंगे, ये मोहब्बत का मान रखेंगे और मुझे रोक लेंगे। बेटा, बेटा तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो इस वक्त? मैंने तो टेरेस से तुम्हें देखा तो मैं यहाँ पूछने चली आई। क्या बात है, खैरियत तो है? जी आंटी। बेटा तुम तो तलत की बहू हो ना? जी। तो यहाँ इस वक्त अकेले क्या कर रही हो? वो मेरी अम्मा के घर जा रही हूँ मैं, वहाँ कुछ इमरजेंसी हो गई है।